ठीक है, इसको मतलब लूज नहीं कनेक्ट करना है, अच्छे से आप कर दीजिए सब। कभी कभी एक और करने वायर आती कनेक्शन करने के लिए, उसमें थोड़ा सा घुमाना पड़ता उसको, रोटेट करना पड़ता तब वो टाइट होता है। मीन्स ये बता दीजिए आपकी कुछ करने वाली है तो डायरेक्ट चले गए, पहले टाइटली होना चाहिए। ये आपको इससे इससे पता नहीं, आपके साथ बना हुआ है साथ ही एम्पियर और वोल्ट मीटर देखिए सीरीज में कनेक्टेड है। सीरीज का कनेक्शन का मतलब होता है एक का प्लस एंड दूसरे का माइनस एंड से होना चाहिए, और पैरेलल कनेक्शन का मतलब होता है दोनों को प्लस सबके प्लस एक जगह सबके माइनस एक जगह। तो हमारा ये वोल्ट मीटर और एल मीटर दोनों के एक का माइनस एक का प्लस में होना चाहिए। हमने इसका माइनस इसका प्लस निकाल दिया, इसका भी माइनस निकालता है, इसके साथ में हमको रिहॉस्टेड लगाना है। ये देखो माइनस निकल के आया, इसके साथ हमको रिहॉस्टेड लगाना, आर एच लगाना। हमने क्या किया इससे एक ही रिहॉस्टेड लगा दिया, और रिहॉस्टेड लगाने के बाद अब देखिए ये बोर्ड ये इन सब का कनेक्शन हो गया, लेकिन अभी तो हमको बैटरी सप्लाई देना है। यस मैम एक्सप्लेन करी। देखिए आपका ये ओम्स लॉ है, ओम्स लॉ में आप जानते हो कि अगर हम उसकी फिजिकल कंडीशन चेंज नहीं करते हैं तो इसमें वोल्टेज करंट मतलब आई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। और क्या कर रहे हैं इसको जैसा हमको सर्किट दिया हुआ है, वोल्ट मीटर और एम मीटर दोनों कैसे होते हैं सीरीज में कनेक्टेड होते हैं। हमने इन दोनों को सीरीज में कनेक्टेड किया, इसका माइनस इसके प्लस से कनेक्टेड किया, और फिर इस एम मीटर के माइनस को हमने रिहॉस्टेड से कनेक्ट किया जैसा कि आपके सर्किट में दिख भी रहा है। उसके बाद हमने क्या किया, वोल्ट मीटर का जो प्लस पॉइंट था उसको एक बैटरी प्लस पॉइंट कर दिया, माइनस पॉइंट था इसके माइनस पॉइंट कर दिया, मीन्स आपका सर्किट अब कम्प्लीट हो गया। उसके बाद हम क्या करते हैं, जैसे जैसे हमें आपके पहले तो आपको सर्किट ही चेक करना है कनेक्शन करने के बाद, कि अगर आपने वोल्ट मीटर को जीरो पे रखा हो तो आपका एम मीटर का जो रीडिंग है वो भी जीरो पे रहनी चाहिए, मीन्स डेविएट नहीं होना चाहिए। हमने वोल्ट मीटर को जीरो पे रखा और एम मीटर भी जीरो पे शो कर रहा था। फिर हम क्या करते हैं वन बाई वन इसको वोल्ट मीटर की वैल्यू को बढ़ाते जाते हैं, जैसे जैसे हम इंक्रीज करते हैं, जैसे हमने 2.5 पे लिया तो आप देख रहे हो यहाँ पे ठीक है, जैसे जैसे 0.25 पे लिया देखिए अभी 0.5 पे आ रहा है, 5 पे लिया हमने ये भी देखिए आ रहा है, ये मिली है लॉन्ग। फिर अब 7.5 पे लेते हैं, ये 0.75 पे आया है, ये 10 पे लेते हैं, और देखिए जैसे जितना हम इसको बढ़ाते जाते हैं वोल्ट मीटर को उतना ही हमारा अंदर अच्छा करता है। और